ये देखे मारी एक पांडा फाइनली स्टॉप पहुंच चुके और भीड़ देखो दे। सारी जनता डेगी जगह अब जाओ फटाफट से ये आ गया अपना स्टॉप पढ़ लो नाम पढ़ लिया अब चलते हैं अंदर। हेलो दोस्तों गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक मैन अनदर वी लोग। तो अभी शाम हो चुकी है अभी आज मैं नींबू थाना आया हुआ हूँ क्योंकि वो मामा जी के घर वर का सिस्टम है तो एक दोस्त को और लेके आया था तो दोस्त उस ट्रेन में आया नहीं उसकी भी कहानी बताऊंगा मैं घर पे जाने के बाद क्या सीन हुआ पहले उसको पूछाता हूँ मैं यहाँ पे घर पे एक बार आप भी आएगा नहीं अभी आए कुछ ठिकाना नहीं है उसका आएगा भी नहीं आएगा आज का कोई फिक्स ही नहीं है उसका। और ये देखो हमारे पिछली बार मिले होंगे ये पे आके गाड़ी रुक जाती है आज कौन देर से पार्टी पिछली बार तो पूछो अरे यार मेरे तो छोड़ फिर कैंसिल कर फिर और अभी मार्केट का व्यू दिखाता हूँ आपको फिर घर पे जाके बताऊंगा पूरा रिलैक्स होके हाँ तो पूरी भागम भाग हुई है तो पूरा डिटेल बताऊंगा घर पे जाके पूरा सा सुनने से क्योंकि यहाँ पे आवाज भी है कहाँ चाहे की आएगी। वो देख लो भाई मार्केट जिस दिन तो देर हो रही जो आप देख लो मार्केट अब थोड़ी देर रुकते हैं ना कितनी देर में दोस्त आता है देखें कितनी देर में आएगा मेरे को लग रहा है आज वो अटकेगा क्योंकि ब्याह शादी के टाइम पर बस पूरा फुल ठसा ठसा के आएंगे और वो लग रहा अपना नेता दुकान पे तो अभी आ चुके हैं अपन नीम का थाना और ये शगुन के लिए ले लिया है बिंगो एकदम सिंपल वाली क्योंकि माँ जी वगैरह मना कर रखा है उसके लिए कुछ लाने के लिए मीठे वीठे वगैरह कुछ सरपरा भी नहीं मीठा भी नहीं क्योंकि वो सूख के तो वैसे काटा हो रखी है। अब चलते हैं घर पे और भाई साहब जिस काम के लिए आया था वो काम बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है वो काम तो हुआ ही नहीं होगा ही नहीं मतलब बताऊँगा मैं उसकी स्टोरी सोते टाइम पे। सोसू लग रही थी बहुत भयंकर तो पहले सोसू कर रहे हैं और रो 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 ओ देख मामो डरपा दी और बाहर निकल जाऊ मैं कुणा को और मामी देख थोड़ी ने डेडिकेशन देख रहे थे तू मामी को चूल्हा पर लाग रही थी भाई टीवी सिनेमा थिएटर चल रहे थे ओहो हो चूल्हा की रोटी फटाफट से रोटी रोटी खाता भूख लगे मान तो आज सुवार चला है वहां नाना जी सुमिला होती का क्या बात कर रहा है ये देखो लिखाती ना तू लिखाती ना छोड़ फिर लिखाती ले खाले 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 दादा कहाँ गए नाना जी तो भाया रामेश्वर दास बाबा जी गेड़ा जी नाना जी तो कल महाशिवरात्रि है ना इसी वजह से रोटी रोटी खा रहा हूँ और पैसा क्या बखेरो मिलने का रसोई देखी तो है कि देखी नहीं तो के देखी रसोई तो बात पलाट लेके जाने थे गरम गरम मटर के तो खाने थे फटाफट से बचाया क्या गरम गरम में इसको देखो तुम लगे मेरे को निकला रही है ना हो गया ना ला दे जल्दी से बिंगो हो चलते 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 प्लेट प्लेट मामी रोटी डालो इसमें भूख लग रही है तेज ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो बस खाना वाना सब कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे मैं जिस काम के लिए आया था जिस पर्पज के लिए आया था वो हुआ ही नहीं काम वो इसलिए नहीं हुआ बताता हूँ मैं सुनील जानते हो जो ब्लॉग में आता है बहुत बार तो वो उसको यहाँ पे मामा जी मगर नया मकान बनाने में है तो उसके ड्राफ्टिंग के लिए लेके आने में था तो उन्हें कई सूझबूझ क्योंकि उनको 10-11 साल का एक्सपीरियंस अपन कहाँ 2 महीने का एक्सपीरियंस और कहाँ 11 साल का एक्सपीरियंस तो अच्छा नॉलेज भी उसको तो उसको लेके आ रहा था मैं यहाँ पे तो क्या हुआ मैं लेट हो चुका था तो जल्दी से जल्दी मैं तो ट्रेन में बैठ गया और वो उधर टिकट कटाने में मैं इधर से आया था और वो दूसरी साइड से आया था तो वो सोचता मैं तो ट्रेन में टिकट कटा रही बैठूंगा और सामने से ट्रेन चल रही है फिर भी नहीं
बैठू तो टिकट कटा रही बैठू लेकिन शाबाश। ट्रेन में छूट गई, टिकट भी नहीं कटी, दोनों काम हो गए। फिर मैं बोला, फिर उसको दूसरी शिखर वाली में बिठाया। शिखर वाली में बिठाते क्या सीन हुआ, रिंगस उतर जा, रिंगस उतर गया और मैं जब तक यहाँ पे नीम का थाना पहुंच गया था। और शिखर रिंगस उतरने के बाद वहां पे 1 घंटे तक वो वेट किया, बसों का किया वेट, नहीं आई बस। और उसके माइंड थॉट भी फिर अलग हो गए होंगे, कहते नहीं यार जयपुर जाएंगे, फिर वो जयपुर चला गया। इसी वजह से आज उसके साथ ही आने में था मैं यहाँ पे, लेकिन कुछ काम ही नहीं हुआ, इसी चक्कर में आया था मैं और ये काम ही रह गया बस। तो बहुत ऐसे माइंड अपसेट हो रखा है पूरा, और सर में भी दर्द चालू हो गया, और खाना वाना सब कंप्लीट हो गया है, और सामने पड़ा है गाजर का हलवा, दिखाऊँ? कल महाशिवरात्रि है तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि, तो उसके लिए गाजर का हलवा बनाया भाई। खा जा, खा ला रे, लेकिन कल भूख लगेगा, फिर बाद में खाएंगे इसको। तो बस आज के ब्लॉग में यही था, खाना वाना सब कंप्लीट हो गया है, नाना जी गए हुए हैं बाबा रामेश्वर जी के, 3-4 दिन वही थे, कल महाशिवरात्रि के दिन मामा जी भी जाएंगे, हो सका तो मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना इंटरेस्ट ट्रेवल करने में कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, चाहो बताऊँ तो बस मामा जी और भी जाएंगे तो शाम तक दोपहर तक आ जाएंगे, फिर दोपहर के बाद में मैं निकलूँगा कहाँ। तो बस आज के ब्लॉग में यही था, बहुत टायर्ड फुल रहा, बस दिखाता है उसकी जर्नी, सुनील की, सुनील की जर्नी दिखाता, कैसे भाग भाग भाग्यो कौन जा रहे हैं, मेरे जो सांड कती बार कह दियो फिट रहा शरीर, अगर फिट रहता ना शरीर तो कब कब भग के पकड़ लेता, तो भगा नहीं जाता उससे। लेकिन मोबाइल में ये इससे बात कर रहा था मैं उस टाइम पे उससे ही, ये रहा दे, दिख रहा है, दिख रहा है क्या तेरे को, दिख रहा हूँ क्या? तो बस वो इसी चक्कर में उसका कंटेंट भी नहीं ले पाया मैं, तो बस ये था आज के ब्लॉग में, ये स्ट्रगल था पूरा। तो आज के ब्लॉग अपन ये एंड करते हैं, और सुबह गया था मैं RC बनवाने के लिए, मतलब दीदी को जाना था ब्यूटी पार्लर में, तो दीदी को ब्यूटी पार्लर से फिर गया 2 घंटे, तो 2 घंटे तो वहाँ पर लग गए। फिर 2 घंटे लगने के बाद मामा जी और आए, वहाँ शादी में गए हुए थे मामा जी वगैरह सब लोग, तो 12-1 बजे वो वहाँ से आए, और 12-1 बजे आने के बाद मैं उनको फिर सीधा RTO, वहाँ से हमारे घर से RTO पड़ता है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, तो उसमें टायर्ड हो गए, मतलब 1 बजे तो पहुँचे थे वहाँ, 2 बजे पहुँचे थे, 2 बजे पहुँचने के बाद 2:30-3 बजे फिर हुए वहाँ से, 3:30-3 बजे मैं यहाँ पे पूछा घर पे, वहाँ पे वापस बैग वैग लेके ट्रेन के लिए निकला, 3:50 पर टाइम देखा होगा आपने पीछे, तो 3:50 पर ट्रेन थी, मैं 3:49 पर पहुँचा, और वो सही था, पहले ट्रेन लगी थी, ऐसी कि अगर आप लोग देखो तो बीच में बहुत अच्छा लगा करके फिर जाना पड़ता है, तो उसके चक्रों में वो आज नहीं थी वहाँ पर, उसके चक्रों में जल्दी पकड़ी ट्रेन भी, तो मेरे पकड़ में आगे, मैं जब लेट हो रहा था तो मेरे पकड़ में आ गई, और वो पहले पहुंच गया था, वो उसका टिकट ही हो गया, और टिकट मैंने फिर बाद में वहाँ पे ले ली थी, आगे वाले स्टेशन पर ले ली थी, नहीं ये होता है समझदार आ जाएगा। तो वैसे आज का ब्लॉग अपन यही एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर। The next morning. दोस्तों गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग, आज और के आज आपसे मिल रहा हूँ मैं नीम का थाना ही, गुड मॉर्निंग से मतलब नीम का थाना के सुबह से, नीम का थाना में होने वाली सुबह से रे जो भी है चले तू। तो अभी आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। उधर धूप आ रही थी इसलिए भूख ज्यादा पड़ रहा था, और देखो फुंसे वंसे थे कैसे हो गई, शादी का टाइम आ रहा है, मतलब मेरा नहीं शादी फंक्शन है सिस्टर का, तो वहाँ पे जाना भी आ जाऊंगा, देखिए मामा जी और सब वहाँ पे गए हुए महाशिवरात्रि के, तो वहाँ से वो जैसे आ जाएंगे, क्योंकि मामी जी यहाँ पे अकेले हैं तो यहाँ पे खुश के रहना जरूरी है ना, तो यहाँ पे जैसे ही वो आ जाएंगे फिर मैं निकल जाऊँगा गाँव के लिए, बहुत एक्साइटेड हो रही है। अब चलते हैं फटाफट से गाँव, नहाते हैं पहले तो, और फिर थोड़ा सा पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो करना पड़ेगा यार, क्यों नहीं करेंगे करेंगे। तो बस फटाफट से देखते हैं, मामी जी भी नहा रही है, बाथरूम वैसे तो 3 है लेकिन दोनों साफ सफाई कम रहती है उनमें, अब साफ सफाई आप भी जानते हो, 3-3 बाथरूम में एक मामी जी अकेले तो कितने को साफ सफाई करे, तो बस दूसरे जो साफ है उसमें मामी जी नहा रही है, तो फटाफट से मामी जी नहा के आती है फिर मैं नहाऊंगा, बस ये सीन रहेगा, तो फिर नहा धो के पूजा पाठ करते हैं। 3 hours later फाइनली तुम्हारे भाई का नहाना धोना पूरा कंप्लीट हो चुका है, 10:30 के समथिंग बज चुके हैं, मामा जी और का वेट देख रहा हूँ कब तक आएंगे, और कब मैं गाँव के लिए निकलूंगा, क्योंकि भाई वहां पे बहुत इंजॉयमेंट चल रहा है, शादी है सिस्टर की, क्यों नहीं चलेगा, सब आए हुए हैं भाई साहब, जाना पड़ेगा मेरे को जाना। पहले तो हलवा हलवा खाते हैं, कैसा मना है क्या नहीं मना है जी की रसोई देखो तुम, रसोई टूर अपना तो हलवे पे कॉन्सेंट्रेट रखो, खाते हैं फटाफट से, कटोरी कहाँ कटोरी, छोटी जा दो पट्टी जा पट्टी। ये आ गया अपना हलवा गाजर का हलवा, फटाफट से खाते हैं, और भाई साहब वेट करते हैं मामा जी के नाना जी के आने का, फटाफट से फिर निकलते हैं। 3 hours later हो चुके हैं जाने के लिए भी रेडी, मामा जी और तो आ नहीं रहे, मतलब 1 घंटा और लगाएंगे, 1 के समथिंग बज चुका है, देख लो 1 बज गया पूरा, मामा जी 1 बजे तक आएंगे, और मेरे को निकलना भी है क्योंकि इस टाइम बस का भी मिलना थोड़ा
टाइम भी लग रहा है मेरे को, क्योंकि बस भरी भरी आएंगे, सावे चल रहे हैं, शादी ब्याह शादियाँ चल रही हैं, तो बस भी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी वहाँ पे, तो आसपुर मोड़ पे तो आ जाएंगे, कई भाई आए हुए हैं तो बुला लूंगा उनमें से तो किसी को। अब चलते हैं फटाफट से देखें, और उसको और बुलाता हूँ मेडिकल वाले छोरे को, वो सामान लेके आना है तो वो सामान भी लेके आएगा। मामी जी को बोल देता हूँ मैं जा रहा हूँ। मामी मामी सो रही है, मैं जाता हूँ है ना, कोई बात नहीं, क्यों परेशान करे, सोने दो। अपना हो चुका है, मामी जी ने डोली क्या है मम्मी की थी तो इसे खाली घी लेके आई थी मम्मी, तो इसमें डाल दिया मामी जी ने गाजर कलवा, ये लेके जाना है, और ये अपना बैग, तो दोस्त वेट कर रहा होगा, तो यार काम में अटक गई, दोस्त वेट कर रहा होगा, चलते हैं बाइक पे, वो छोड़ देगा और आगे का देखते हैं फिर अपन। ये आ गए अपने दोस्त साहब, चलो साहब तो लेते ना, साहब भी कौन कर गाड़ी आना है, गाड़ी क्या आएगी अब तो बस चल। आ गए भाई स्टॉप पे, अब वेट करते हैं अपनी बस का, देखें कितनी देर में आती है। तो भाई अपने आसपुरा मोड़ पे तो आ गए हैं, अब वेट करते हैं, भाई साहब को बुलाए हैं, वीर आएगा शायद, आ रहा ही है वो, मेरे को ऐसा लग रहा है वही आ रहा है, चलते हैं फिर फटाफट से। आ गया, दर 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 इन दर 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 दर, क्या का स्वागत, मत पटक दीजिए। अरे टमू खोल, ला ला ला, चलो 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 चलो, ओहो 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 ओहो, ओगी वो तो आई रो लो, वो देखो टमू शेड, और देखो खैर वो बग लाग रही है। अब चलते हैं शादी के माहौल पे, चाचा जी के घर पे, और टाइम देखो 5 के बजने को आ गए, फटाफट चलते हैं वहां पे, दिखाता हूँ क्या माहौल बन रखा है। आता पहले काम दीजिए, देख लो काम हो जाए, अरे छोड़ कर दियो, कल यहाँ पे हल्दी प्रोग्राम आए नहीं पाए, आप फीलिंग लेनी पड़ेगी अमितेश, हल्दी प्रोग्राम की फीलिंग ले ला आपने, तो यहाँ पे बैठे थे करके पीले पीले सब कुछ, वो फोटो ऐड लगाऊंगा मैं बीच में, यार जो एक नहीं अरे बीच खपाए कौन दे क्यों एंजल प्रिय एंजल बीच मर देना को आ देखो तो डर लगा जमीन दे जे आप तो ना किसमें से नाम क्या फेमस हो रही जी को दे वो पकड़ के रख जमीन बजरंग के वार वैसे बोले गांव में शादी होने के नुकसान साहब काम के किराए घर पे आ चुके थे, सिलेंडर भी बना के आना पड़ा, अभी सिलेंडर भी खाली हो गया था तो वो बना के लेके आए फटाफट से। अब चलते हैं खाना खाने, आज दे रही है ताई जी है घर पे बान, तो वहीं पे है सब कुछ खाना वाना जितना भी है, वहाँ पे चलते हैं फटाफट से, भूख लग रही है तेज। कैटरिंग वाला दिखा दियो तन, कैटरिंग वाला लाग रहा है, देखो लाग रहा जी, मैं सोचो स्कूटी क्या खड़ी है, जल्दी खा लो नमकीन नमकीन उठाओ, तो डाइट खराब कराओ ला पूरा ज्यादा पूरी डालो, हाँ भोजन नमकीन लो, भोजन नमकीन जीवा भोजन नमकीन नहीं छिके तो हाँ कुछ भाई साहब आ गए, डिंग चाक डिंग चाक डिंग चाक डिंग चाक, वेटिंग देखो तो कितनी चाल रही है, अरे डिंग चाक डिंग चाक, वेटिंग देखो कितनी चाल रही है, कुछ भाई आगो तो खड़े जाओ खड़े जाओ, देश की शान। काकी देव बावड़ी अभी मजा आएगा ना भिड़ो, चला 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 और हाथ काकी बुआ बुआ जा आजा बुआ काकी काकी नाचो नाचो
भाभी देख बलोक मामा तानी देख 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 हाँ नाचो कह दिया जी मान लीजिए तो नाता ही चाय के साथ और जूम बराबर वाला वीडियो परफॉर्मेंस हमारा डांस परफॉर्मेंस कल आ जाएगा टाइम पे पता ही नहीं पीछे रिकॉर्ड भी क्या ही नहीं किया नहीं किया रिकॉर्ड तो हुआ विदाई समारोह अब चाला के राना होगा थिएटर का तो टाइम हो 11 बज बना की अब चाला करा सारा अरे मम्मी देख रही देख दे 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 आगे जा आगे सारे चाले चालो आ भाई बजे बजा रही ये देख ये देख दो नीति नी दो नीति देख ये पक्की भाई नहीं देखो ये सुगा डर लाग रही थी डर लाग रही थी ये देखे मारी एक पांडा फाइनली घर पे आ चुके हैं और इतना टायर्ड हो चुके हैं ना इधर देखो सब के सुते हैं पैर लंगर लगा देते हैं जी तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था गला पूरा बैठ गया चिल्ला चिल्ला के आज के ब्लॉग में यही एंड करते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग गुड नाइट बाय बाय एंड टेक केयर